हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे SIPF विभाग की अपडेट्स की, और वो है GPF नंबर को लेकर। तो जो भी कर्मचारी 2004 के पश्चात नियुक्त है, जिनके GPF कटौती शुरू हो चुकी थी, जैसा कि OPS लागू किया गया कर्मचारियों के लिए, श्रीमान अशोक गहलोत जो राजस्थान के CM हैं, उनके द्वारा कर्मचारियों के लिए तो उनके GPF की कटौती तो हो रही थी लेकिन नंबर जारी नहीं हुए थे। तो अब GPF के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं कर्मचारियों के लिए, तो बड़ा फ़ायदा होगा कर्मचारियों के। जो भी कटौती होती है अब उनके सटीक अकाउंट नंबर जारी हो गए हैं तो उसमें उनकी कटौती जाएगी। तो GPF नंबर जारी कर दिए गए हैं, अब अपना GPF नंबर चेक कर सकते हैं SSO ID के माध्यम से। किस प्रकार देखें इस वीडियो हम बात करेंगे, तो आपको SSO ID पर लॉगिन हो जाना है। SSO ID में जैसे हम लॉगिन हो जाते हैं, कर्मचारी की एक ID होती है RJJO वाली, और उसके पासवर्ड लगा के लॉगिन के पश्चात हमें कई आइकन नज़र आते हैं। ये वाले आइकन, इसी आइकन में से हमें जो चूज़ करना है वो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू पे क्लिक करना है। ये वाले नए वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपको आगे बढ़ना है, और आगे आपसे एक OTP भी मांगी जाएगी। पहले जब भी आप लॉगिन होंगे, आजकल OTP वाला सिस्टम चल रहा है, तो लॉगिन होने के पश्चात जैसे ही आप SIPF ऑफिस का पेज खुलेगा आपसे OTP मांगी जाएगी। OTP जाएगी मोबाइल नंबर रजिस्टर जो है उसके ऊपर, फिर आप सबमिट कर दीजिए और आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार का। अब यहाँ पर पेज में आपके जो भी ऑप्शन हैं वो सारे नज़र आएंगे। एक तरफ तो आपके सर्विस डिटेल मिलेगी, जो भी आपकी सर्विस है उससे रिलेटेड डिलेट आपके नाम वगैरह, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। दूसरी तरफ यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे आपको, ये वाले यहाँ पर SI NPS GPF 2004, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये नज़र आ रहा है SI GPA। हमें जाना है GPF 2004 के अंतर्गत। GPF 2004 ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, इसी के अंदर जाना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसे नीचे तो बहुत सारे अलग ऑप्शन हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। और वहीं दूसरी और जो इम्पोर्टेंट अभी काम करना है वो यही है कि GPF 2004 में जाके आपको क्लिक कर देना है। और जैसे GPF 2004 पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। GPF 2004 पे क्लिक करने के पश्चात ये इस प्रकार से, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है योर GPF अकाउंट नंबर, यानी जो भी आपके अकाउंट नंबर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप कर्मचारी जो है अपना GPF नंबर चेक कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि कर्मचारियों के GPF अकाउंट नंबर अब सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं SSO ID के ऊपर। धन्यवाद।